जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतने मधुर संबंध हमारे बनते जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और मेरे बताए उपायों से आपको फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आप अपनी जिसे कहते हैं आप पूरी श्रद्धा के साथ में कर रहे हैं, तभी आपको फ़ायदा भी हो रहा है। आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कील। कील से हम तस्वीरें भी टांगते हैं, कील से हम बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम करते हैं, फर्नीचर भी कीलों से बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कील से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं? लेकिन मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, नेगेटिव होगा भी नहीं। इसके अंदर ये है कि जो घर के अंदर कोई सदस्य हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होती है, मेंटल लेवल नहीं मिल रहा है, आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं वो आपके कहे के अंदर नहीं है, या आपके सर्वेंट आपके कहे के अंदर नहीं है, आप कहते कुछ हैं वो करते कुछ हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मैं आपको एक उपाय बताने के लिए आई हूँ। आपने करना क्या है, फ्राइडे को, अगर आपको फ्राइडे को रोड पर कोई कील मिल जाती है, छोटी मिल जाती है, बड़ी मिल जाती है, वो आपके ऊपर है, लेकिन ख़रीदनी नहीं है, वो कील आपने अपनी लेकर के आनी है और उस कील को आपने सैटरडे को गंगा जल से धोना है। धोने के बाद में उस कील को साउथ की वॉल पे लगाना है। जी हाँ, साउथ की वॉल पे लगाना है। शनि कील किसका कारक हो गई? शनि का कारक हो गई और यम की वॉल पर है, तो वहीं से नेगेटिव एनर्जियाँ आती हैं। तो कील शनि कौन हुए? जजमेंट। तो आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके ऊपर बहुत हावी रहता है और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को माने, जिसके भी नाम से आप वो कील लगाएंगे वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव नहीं चीज़ होगी इसके अंदर, कि अगर आप ये चाहें कि वो आपको पसंद नहीं करता है, वो आपको प्यार नहीं करता है, वो किसी और को प्यार करता है, कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ये एक सात्विक उपाय है, इस उपाय को आप करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जिस पीरियड के अंदर आप कील ठोक रहे हैं, उस पीरियड के अंदर आपने अपनी इंटेंशन बोलनी है कि मेरे घर के अंदर अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो वो मेरी बात माने। और साथ ही ये भी बोलना है कि भाई मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी पलट करके मेरे को रिस्पेक्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, लव योर सेल्फ, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे। जाने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। रेखा जैन, कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखेगा कि आपको कैसी लगी। जय श्री राम।